ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कैरियर्स। कैरियर्स पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लीजिएगा कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और सिर्फ हमको समझना है क्लास में। तो शुरू करते हैं कैरियर्स। कैरियर्स के बारे में सबसे पहली चीज़, कैरियर्स का मतलब क्या होता है? कैरियर्स का मतलब ये होता है कि भाई साहब उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, मगर उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट भरे पड़े हैं जो कि वो दूसरों को फैला सकता है। दैट इज कैरियर। सिंपल भाषा में बात करें तो कैरियर वो होते हैं जो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं क्योंकि उनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट भरे हुए हैं, मगर कोई भी क्लिनिकल डिजीज़ या साइन एंड सिम्टम्स वगैरह उनको नहीं है, वो सिर्फ कैरियर्स हैं। कैरियर्स के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि वो इन्फेक्शियस तो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनमें फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं है, केसेस नहीं है, वो कैरियर्स हैं, तो कम इन्फेक्शियस होते हैं लेकिन ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं, सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग फिनोमेनन में पढ़ते हैं ना कि ये सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग होते हैं, ये छुपे रुस्तम होते हैं, ये बीमारियाँ फैलाते रहते हैं। इन्फेक्शियस कम होते हैं इसीलिए उनको वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन बीमार कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है टाइफॉइड मैरी का। टाइफॉइड मैरी जो फूड हैंडलर थी वहाँ पे, उसने बहुत सारे लोगों को बीमारी फैलाई थी टाइफॉइड, बाद में पता चला था। क्यों, कैसे नहीं पता चला था? क्योंकि उसको कोई साइन सिम्टम्स थे ही नहीं, क्योंकि कोई क्लिनिकल डिजीज उसको थी नहीं, पर वो फैलाई जा रही थी, बाकी लोग बीमार होते जा रहे थे। बाद में जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो मैडम थी उनको तो टाइफॉइड की, वो कैरियर थी। तो क्लासिकल एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे ना कैरियर का, तो बोल देना टाइफॉइड मैरी, मैरी बंदी का नाम था। अब कैरियर्स कितने तरह के होते हैं, तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरह से उसको ले रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप, टाइप के बेसिस पे आपके पास इंक्यूबेटरी कैरियर हैं, कन्वॉल्सेंट कैरियर्स हैं, हेल्दी कैरियर्स हैं। उसके अलावा ड्यूरेशन के बेसिस पे आपके पास टेम्परेरी कैरियर्स हैं, क्रॉनिक कैरियर्स हैं। उसके अलावा पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब कैरियर है तो बीमारी फैलाएंगे, तो बीमारी फैलाने के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को अपने से बाहर फेंकना पड़ेगा, तो वो अपने से बाहर फेंक किस पोर्टल से रहे हैं या किस तरह से फेंक रहे हैं, उसके अलावा उस पर डिपेंड करते हुए भी टाइप्स को क्लासिफाई किया है। जैसे कि यूरिनरी कैरियर्स, स्टूल से जा रहे हैं तो इंटेस्टाइनल कैरियर, रेस्पिरेटरी कैरियर्स, नेजोफेरिंजियल कैरियर्स और नेजल कैरियर्स। तो शुरू से करते हैं कि भाई कैरियर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हम कैरियर्स के टाइप्स पे। तो इंक्यूबेटरी कैरियर्स क्या होते हैं? इंक्यूबेटरी कैरियर्स होते हैं वो लोग जो किसी बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड में ही इन्फेक्शियस एजेंट को शेड करते हैं या बाहर निकालते हैं। दोज आर इंक्यूबेटरी कैरियर्स। एग्जाम्पल्स में आपके पास मीजल्स है, मम्स है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी है और डिप्थीरिया है, बहुत सारे हैं, कुछ के नाम अपन ने लिखे हुए हैं। तो इंक्यूबेशन कैरियर से क्या समझ में आया? वो लोग जो किसी बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड में, या वो कैरियर्स जो किसी बीमारी के इन सिर्फ किसी बीमारी के इंक्यूबेशन पीरियड में ही इन्फेक्शियस एजेंट को फैलाते हैं या शेड करते हैं। कन्वॉल्सेंट कैरियर्स क्या होते हैं? सबसे पहले कन्वॉल्सेंट का मतलब क्या होता है? कन्वॉल्सेंट का मतलब होता है, या कन्वॉल्सेंस का मतलब होता है, जब इंसान बीमारी से ठीक हो रहा होता है वो वक्त को पीरियड ऑफ कन्वॉल्सेंस कहते हैं। और इस वक्त पे जो लोग बीमारी को फैलाते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट को अपने से बाहर निकालते रहते हैं वो कहलाते हैं कन्वॉल्सेंट कैरियर। तो कन्वॉल्सेंट कैरियर क्या है? कन्वॉल्सेंट कैरियर वो हैं कि कैरियर्स जो कि पीरियड ऑफ कन्वॉल्सेंस में, या जब वो लोग ठीक होते रहते हैं तब किसी बीमारी को फैलाते हैं, तो दोज आर कन्वॉल्सेंट कैरियर्स। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लिनिकल रिकवरी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, या क्लिनिकल रिकवरी कोइंसाइड नहीं करती है बैक्टीरियोलॉजिकल रिकवरी पे। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? कि दिखने में तो उन लोग एकदम दिख गए कि हाँ भाई ये लोग पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं, अब इन लोगों में बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन एक्चुअली उनमें बैक्टीरियोलॉजिकल रिकवरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी इन्फेक्शियस एजेंट को फेंक रहे हैं अपने से बाहर। तो क्लिनिकल रिकवरी हमेशा बैक्टीरियोलॉजिकल रिकवरी से कोइंसाइड नहीं करती है। ठीक
ठीक है, यही हम कोरोना में भी कर रहे हैं कि भाई वो उसमें कोई साइन एंड सिम्टम तो अब नहीं दिख रहा, जब आया था तो बहुत बीमार था लेकिन अब देखो तो कोई साइन सिम्टम नहीं है, लगता है ठीक हो गया है, क्या इसको घर जाने दे? नहीं नहीं भाई साहब, पहले इसको टेस्ट करो, जब दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव हो जाए तब भाई को घर जाने दो। तो बैक्टीरियोलॉजिकल रिकवरी कोई हम ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिकल रिकवरी से कोइंसाइड करती हो। तो कन्वर्सन कैरियर के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि भाई टाइफाइड भी हो सकता है, बेसिलरी एमीबिक डिसेंट्री भी हो सकता है, कॉलरा भी हो सकता है, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, ये सारे के सारे कन्वर्सन कैरियर होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुख्य बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कन्वर्सन कैरियर क्या होता है। तो जब इंसान ठीक हो रहा होता है तब जब वो बीमारी फैलाने लगे उसको कहते हैं कन्वर्सन कैरियर। हेल्दी कैरियर्स क्या होते हैं? हेल्दी कैरियर्स होते हैं उनमें ना कोई जो बीमारी होती है वो उसके साइन सिम्टम वगैरह कोई बीमारी आती ही नहीं है। ये क्या होते हैं? याद है हमने केसेस में पढ़ा था कि सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। जब सब क्लिनिकल केसेस लोगों को इन्फेक्ट करें और वो जिनको सब क्लिनिकल केसेस ने इन्फेक्ट किया है वो कैरियर बन जाएं डायरेक्ट, और बीमारी उनमें आए ही ना, दे नेवर सफर फ्रॉम ओवर डिजीज, मगर वो डायरेक्टली कैरियर्स में तब्दील हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं हेल्दी कैरियर्स। हेल्दी कैरियर्स क्यों? क्योंकि एक तो वो सब क्लिनिकल केसेस जो थे उन्होंने उनको इन्फेक्ट किया है, और ये जो इन्फेक्ट हुए उनमें कोई बीमारी डेवलप ही नहीं हुई, डायरेक्ट ये कैरियर स्टेट में आ गए। तो ये जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन था वो भी लगभग हेल्दी दिखता था क्योंकि साइन सिम्टम उसमें होते नहीं थे, और कैरियर स्टेट तो वैसे ही हेल्दी होती है, उसमें भी साइन सिम्टम नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं हेल्दी, मगर कैरियर तो है क्योंकि इसमें इन्फेक्शियस एजेंट तो है, इसीलिए हेल्दी कैरियर। समझ गए? हेल्दी कैरियर क्या होता है? सब क्लिनिकल केस ने एक कैरियर को एक किसी को इन्फेक्ट करके उसको कैरियर बना दिया, तो दैट इज हेल्दी कैरियर। तो हेल्दी कैरियर कभी आगे आके ओवर डिजीज या वो बीमारी उसमें नहीं होती है, सिर्फ वो कैरियर बन जाता है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पोलियो, साल्मोनेला, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, ये। तो आप देखोगे ना एक ही बीमारी में अलग अलग तरह के कैरियर्स भी मिलते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है उसमें आपको कन्वर्सन कैरियर्स भी है, उसमें आपको हेल्दी कैरियर भी है। वैसे अगर आप देखोगे कि भाई साहब कॉलरा, तो कॉलरा में आपको हेल्दी कैरियर भी है, उसके अलावा कन्वर्सन कैरियर भी है। अगर आप बात करोगे कि भाई मीजल्स, तो मीजल्स में आपको इनक्यूबेटरी कैरियर्स मिलेगा। तो एक ही कैरियर, दो अलग अलग तरह के कैरियर एक ही में मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया में इनक्यूबेटरी कैरियर्स भी मिलते हैं, डिप्थीरिया में कन्वर्सन कैरियर्स भी मिलते हैं, डिप्थीरिया में हेल्दी कैरियर्स भी मिलते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, थोड़ा ध्यान लगा के इनको याद रखना है, समझ में आना चाहिए। मतलब कि इनक्यूबेटरी कैरियर इनक्यूबेशन पीरियड में बीमारी फैलाएगा, कन्वर्सन कैरियर जब वो ठीक होता रहेगा तब बीमारी फैलाएगा, हेल्दी कैरियर सब क्लिनिकल केस ने किसी को इन्फेक्ट किया और जिसको इन्फेक्ट किया वो कैरियर बन गया, दैट इज हेल्दी कैरियर। उसके बाद आते हैं, दैट वॉज डिपेंडिंग ऑन द टाइप कैरियर का। अब डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन, कैरियर्स दो तरह के होते हैं, टेम्प्रेरी कैरियर्स और क्रॉनिक कैरियर्स। टेम्प्रेरी कैरियर्स का मतलब होता है बहुत थोड़े से समय के लिए वो इन्फेक्शियस एजेंट को अपने से बाहर निकालेगा। अब वो थोड़ा सा समय कौन कौन से हो सकते हैं? जो हमने अभी पिछले में पढ़ा, इनक्यूबेटरी कैरियर्स सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड में जो फैलाते हैं थोड़ा सा समय है, कन्वर्सन कैरियर्स जो कि पीरियड ऑफ कन्वर्सन्स यानी जब वो ठीक होते रहते हैं तब बस बीमारी फैलाते हैं, यानी कि सिर्फ थोड़ा सा समय जब वो ठीक हो रहे होते हैं। हेल्दी कैरियर्स भी बस थोड़े से समय के लिए बीमारी को फैलाते हैं। तो टेम्प्रेरी कैरियर्स का मतलब थोड़े से समय के लिए इन्फेक्शियस एजेंट को अपने से बाहर निकालते हैं या लोगों को बीमार करते हैं। क्रॉनिक कैरियर्स का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक कैरियर्स का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शियस एजेंट को अपने से बाहर निकालते रहें, दैट आर क्रॉनिक कैरियर्स। इसके एग्जाम्पल के तौर पर वही टाइफॉइड मैरी जो थी बहुत लंबे समय तक लोगों को बीमार करती रही, जब जाके लोगों को पता चला ओह ये फैला रही थी। उसके अलावा गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, ये सभी क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं। इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? क्रॉनिक कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीइंट्रोड्यूस करने के लिए किसी बीमारी को एक जगह पे जो कि फ्री ऑफ इन्फेक्शन हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर कोरोना में क्रॉनिक कैरियर्स होते, मुझे नहीं पता है कि नहीं, अगर क्रॉनिक कैरियर्स होते तो कोई जगह है, फॉर एग्जांपल वुहान, वुहान में कोई भी केसेस वगैरह नहीं आ रहे, एकदम मस्त चंगा हो गया है, लेकिन क्रॉनिक कैरियर अगर कोरोना का होता तो वो ना उस जगह पे जो कि फ्री ऑफ इन्फेक्शन घोषित कर दी गई थी वहाँ पे फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दे एक
बीमारी को, दैट इज़ क्रॉनिक कैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी बीमारी को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, दोज आर क्रॉनिक कैरियर्स। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन हमारे पास दो हैं, टेम्प्रेरी कैरियर्स एंड क्रॉनिक कैरियर्स। सबसे आखिरी टाइप्स होता है कैरियर्स का, डिपेंडिंग ऑन द पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब वो जगह जहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट हमारे शरीर से बाहर आ रहा है उस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यूरिनरी कैरियर्स यानी कि यूरिन के थ्रू अगर बाहर आ रहा है वो टाइफॉइड में मिलता है। इंटेस्टाइनल कैरियर्स यानी कि स्टूल के थ्रू बाहर आ रहा है, ये टाइफॉइड, कॉलरा, एमीबीएसिस में मिलता है। रेस्पिरेटरी कैरियर्स होते हैं, नेजोफ्रेंजियल कैरियर्स में मेनिंगोकोकस है और नेजल कैरियर्स में डिप्थिया। तो अगर हम नीचे से ऊपर आएँ तो पहले यूरिनरी आएगा, फिर इंटेस्टाइनल आएगा, फिर रेस्पिरेटरी आएगा, फिर नेजोफ्रेंजियल आएगा, फिर नेजल कैरियर्स आएगा। अब एक याद रखने वाली चीज़, आप देख सकते हो कि टाइफॉइड में यूरिनरी कैरियर्स भी हैं, टाइफॉइड में इंटेस्टाइनल कैरियर्स भी हैं। तो आपको सवाल पूछा जाता है वाइवा में कि यूरिनरी और इंटेस्टाइनल में से ज़्यादा खतरनाक कौन सा है। तो टाइफॉइड फीवर में यूरिनरी कैरियर्स जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटेस्टाइनल कैरियर्स। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है और ये आपको एमसीक्यू का भी सवाल है। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में इंटेस्टाइनल कैरियर के मुकाबले यूरिनरी कैरियर ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर दो पॉइंट और हैं, दैट इज पैराडॉक्सिकल कैरियर का मतलब क्या होता है। पैराडॉक्सिकल कैरियर का मतलब होता है एक कैरियर हु इज इन्फेक्टेड फ्रॉम अनदर कैरियर। पैराडॉक्सिकल कैरियर क्या है कि कैरियर ने ही दूसरे कैरियर को इन्फेक्ट कर दिया, दैट इज पैराडॉक्सिकल कैरियर। कि भाई एक कैरियर था उसने दूसरा कैरियर बना दिया, पैराडॉक्सिकल कैरियर। जूडो कैरियर क्या होता है? जूडो कैरियर का मतलब होता है कि एक इंसान जो कि कैरियर तो है, कैरियर है यानी कि उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट तो है, लेकिन वो ए विरुलेंट है। ए विरुलेंट का मतलब कि विरुलेंस का मतलब क्या होता है, कितनी खतरनाक है वो इन्फेक्शियस एजेंट या कितनी क्षमता है उसमें लोगों को बीमार करने की, दैट इज उसका विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब होता है कितना खतरनाक है वो। तो जूडो कैरियर का मतलब है हाँ भाई वो कैरियर तो है मगर उसके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है ना वो ज़्यादा खतरनाक है ही नहीं, तो वो लोगों को ज़्यादा बीमार फैला ही नहीं पा रहा। तो दैट इज जूडो कैरियर। कैरियर तो है लेकिन जूडो है, जूडो कैरियर्स। ठीक है, तो पैराडॉक्सिकल और जूडो कैरियर भी पता होना चाहिए। पैराडॉक्सिकल कैरियर जो कि दूसरा कैरियर बना दे, जूडो कैरियर कैरियर जिसमें कि ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन एविरुलेंट है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो थ्योरी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कैरियर्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके अलावा कैरियर्स पे आपको वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है कि भाई इन्यूमरेट करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरियर्स। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ डिफाइन करो कैरियर्स को। वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल, तो टाइफाइड मैरी पता होना चाहिए। आपको क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है वाइवा का। उसके अलावा आपको अलग अलग टाइप्स के, आपको इंक्यूबेटरी कैरियर्स का वाइवा में पूछ लिया जाता है, बताओ इंक्यूबेटरी क्या होता है कैरियर, कन्वर्सन कैरियर क्या होता है और हेल्दी कैरियर क्या होता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई क्रॉनिक कैरियर्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। क्रॉनिक कैरियर्स इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो रीइंट्रोड्यूस करने में मदद करते हैं बीमारी को। उसके अलावा वाइवा इन दोनों पे पूछ लिया जाता है कि टेम्प्रेरी और क्रॉनिक कैरियर्स के एग्जाम्पल्स बता दो। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बारे में आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि पोर्टल ऑफ एग्जिट के बेसिस पे क्लासिफाई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा में पूछा जाता है, टाइफाइड में ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो वो यूरिनरी कैरियर है। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा के लिए, दैट इज पैराडॉक्सिकल कैरियर क्या होता है और जूडो कैरियर क्या होता है। तो ये सारे आपके वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूँ पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जो वेरियस एमसीक्यूज आते हैं, तो जितने भी अंडरलाइन पोर्शन हैं हमारी स्लाइड्स में वो सारे अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ये आया था कि इंक्यूबेटरी कैरियर्स के एग्जाम्पल बताओ, तो उसमें मीजल्स, मर्म्स, पोलियो, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। हेल्दी कैरियर्स पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है, उसमें भी एग्जाम्पल पे आया था मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, इन पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्रॉनिक कैरियर्स पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है और इसमें भी आपको जो एमसीक्यू आया था वो था कि
कि भाई क्रॉनिक कैरियर के एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, तो मलेरिया है। पोर्टल ऑफ एग्जिट पे भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है, उसमें भी आपको इंटेस्टाइनल कैरियर पे आया था और इंटेस्टाइनल कैरियर के एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेरा। और सबसे आखिरी एमसीक्यू जो आपको आया हुआ है वो आया है पैराडॉक्सिकल कैरियर पे। एक नया क्वेश्चन था कि पैराडॉक्सिकल कैरियर क्या होते हैं, तो वही कैरियर जो इन्फेक्ट करके दूसरे कैरियर को इफेक्ट करते हैं, दैट इज़ पैराडॉक्सिकल कैरियर। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको कैरियर्स के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।